वाओ, ओनली 500 के अंदर में इतना अच्छा ब्लूटूथ हेडफोन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास जिंग ब्रांड से आने वाला ब्लूटूथ हेडफोन है और इसका मॉडल नेम है 5155। और आज का इस वीडियो में सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका थोड़ा रिव्यू करने के साथ साथ इसका साउंड क्वालिटी को अच्छे से टेस्ट करेंगे। और ऐसे तो ये गेमिंग हेडफोन नहीं है, फिर भी इसमें गेमिंग टेस्टिंग करेंगे। और ये मुझे ओनली 494 रुपीज में मिला। कैसे मिला ये बताने के साथ साथ इस वीडियो का एंड में बताऊंगा कि क्या इस हेडफोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, और क्या आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। सिर्फ इसी एक वीडियो में ये सभी टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। और आप इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, पूरे शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टार अभिषेक टेक्निकल। स्टार्ट करते हैं। और इसका अनबॉक्सिंग करने से पहले जिनको पता नहीं है उनको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम पे एक डील्स का फैमिली है जहाँ पे मैं अच्छा अच्छा डील्स पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपको डील्स देखना अच्छा लगता है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब जल्दी से करते हैं इसका अनबॉक्स। और इसमें है इसी हेडफोन का बॉक्स। देन इसके अंदर में है इसका इनवॉइस, और ये मुझे मिला ओनली 494 रुपीज में। और ये इनवॉइस और ये अमेजन का बॉक्स को यहाँ पे साइड पे रखता हूँ। और अब देखेंगे मेन हेडफोन, और इसका बॉक्स में मेंशन है बीटेल। इसका एमआरपी है 2199 रुपीज, और इसका बॉक्स में एक सील मिल जाता है। चलिए अब इसका सील को करते हैं ब्रेक। और इसी बॉक्स के अंदर में और एक प्लास्टिक का कवर मिलता है, और इसका सबसे ऊपर में है हमारा मेन प्रोडक्ट जो कि है इसी हेडफोन। और ये है यूएसबी टाइप है टू माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल, और इसमें है 3.5mm टू 3.5mm प्लग वाला ऑक्स केबल। और इसका पैकेजिंग का जो ये वाला कवर मुझे अच्छा लगा। वाओ, इसके नीचे भी और कुछ है। और इसी हेडफोन को कैरी करने के लिए इसमें एक छोटा सा बैग मिलता है, और मैं ऑलरेडी बहुत सारे हेडफोन को परचेस कर चुका हूँ, बट ऐसा बैग कोई भी हेडफोन ब्रांड नहीं देता है। देन इसमें है इसका यूजर मैनुअल, और आप इसका मॉडल नंबर यहां से देख सकते हैं। और इसमें है एक हैप्पी कार्ड, और इसको अब रखता हूं साइड में। और इसका यरकॉफ का आउटर पार्ट में जिंक का ब्रांडिंग मिल जाता है। और इसका यरकॉफ का ये वाला पार्ट ये प्लास्टिक का है, बट टच करने से रबर का फीलिंग देता है। और इसका साइड में ऐसे सर्कुलर शेप का कुशन है, और इसके ऊपर में एक क्लॉथ का लेयर है, जिसके वजह से ये टोटली प्रीमियम लगता है। और इसी हेडफोन 40mm ड्राइवर के साथ आता है, यानी ये ऑन ईयर हेडफोन है। और इसका ईयरकॉप में भी अच्छा क्वालिटी का कुशन मिलता है, और इसके ऊपर में एक लेदर का कवर है, जिसके वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग है। और इसका हेडरेस्ट में आपको फोम मिल जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसका ऊपर का पार्ट क्लॉथ का है, और इसका नीचे का पार्ट लेदर का है। और इसमें आपको एडजस्टेबल हेडबैंड मिल जाता है, इसको थोड़ा खींचिए देन ये बड़ा हो जाएगा, और ये बहुत ही स्मूथली चलता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका हेडबैंड मेटल का है, जिसका क्वालिटी अच्छा है, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और इसमें ब्राइडेड वायर मिल जाता है, इसलिए आप इसको जितना भी यूज कीजिए ये केबल का कुछ नहीं होगा, यानी ये भी लॉन्ग लास्टिंग है। और इसी हेडफोन का वेट है 178 ग्राम, जो कि ठीक है। ये है इसका राइट चैनल, और ये है इसका लेफ्ट चैनल। और इसका लेफ्ट चैनल में आपको सब कुछ फंक्शन मिलेगा, जैसा कि इसमें कुछ बटन है, ये है ऑन एंड ऑफ बटन, और मोड को चेंज करने का बटन, और ये है एक मल्टी फंक्शनल बटन, और इसके नीचे है माइक्रोफोन। और इसमें ऐसा एक फीचर है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वो है मेमोरी कार्ड स्लॉट। और इसके नीचे है LED इंडिकेटर और ऑक्स का पोर्ट, और ये है माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट। देन यहाँ पे है वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, और इसको ऑन करने के लिए ये पावर बटन को 2 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके होल्ड कीजिए। देन इसमें ऐसा ब्लू एंड ग्रीन कलर का लाइट
फ्लैश करता रहेगा। और यहाँ पे अवेलेबल डिवाइस में आ गया इसका मॉडल नंबर, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, देन पेयर कीजिए। और हेडफोन का बैटरी स्टेटस आप फोन से चेक कर सकते हैं। और इसमें 40mm का ड्राइवर मिल जाता है, इसलिए ये ऑन ईयर हेडफोन है और ये बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है। और इसको लगाने के बाद बाहर का नॉइस नहीं आएगा। तो चलिए अब इसी हेडफोन का साउंड क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं। और अब आपको इसका साउंड क्वालिटी सुनाऊंगा, बट उससे पहले अब आप ईयरफोन नहीं तो हेडफोन का यूज कीजिए। और इसमें मैंने लो मिड्स वोकल सब कुछ चेक किया, इसका सब कुछ बेस्ट है, यानी इसका बेस और ट्रेबल टोटली अच्छा है। और लो फ्रीक्वेंसी साउंड में यानी बेस में आपका ईयर को ये थोड़ा वाइब्रेट करता है। और मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना कम प्राइस का हेडफोन में इतना अच्छा बेस मिलेगा। इसमें मेरा जो फेवरेट फीचर है वो है TF फीचर, यानी माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है। चलिए अब इसमें मैं एक मेमोरी कार्ड डालता हूँ। हाँ दोस्तों, इसमें माइक्रो SD कार्ड भी सपोर्ट करता है। और इसमें कोई म्यूजिक तो नहीं है, ये मेमोरी कार्ड में कुछ ऑडियो बुक्स है। मोड चेंज करने के लिए ये मोड बटन को सिंगल प्रेस कीजिए। और ये वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन को सिंगल प्रेस करने से वॉल्यूम ऑफ एंड डाउन होता है। और इसको लॉन्ग प्रेस करके होल्ड करने से आपका ट्रैक नेक्स्ट होता है और यहाँ से प्रीवियस होता है। और इसका मल्टी फंक्शनल बटन में है प्ले पॉज का फीचर, और ये बटन से आप रीडायल भी कर सकते हैं। इसको दो बार प्रेस कीजिए, देन आप लास्ट टाइम जिसको कॉल किए थे कॉल उसके पास चला जाएगा और आप यहां से कॉल को आंसर और रिजेक्ट भी कर पाएंगे। और ये है मेरा फोन का माइक्रोफोन का वॉइस सैंपल। और अब लगाता हूं इसी हेडफोन, और इसी हेडफोन का माइक्रोफोन का साउंड क्वालिटी ऐसा है। तो चलिए अब इसको मैं हेड पे लगाता हूँ, देन देखेंगे क्या होता है। इसको अपना हेड में लगाने के बाद आपको वॉइस का क्वालिटी ऐसा लगेगा, मैं अब जो कॉल पे बात कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग आप अभी सुन रहे हैं। और इसका लेफ्ट साइड में है इसका माइक्रोफोन, और वॉइस क्वालिटी आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन पे बताइए। और इसका माइक्रोफोन का क्वालिटी इतना अच्छा तो नहीं है, बट ये हेडफोन है और हेडफोन के हिसाब से ठीक है। अब इसमें थोड़ा गेमिंग टेस्ट करते हैं। और ब्लूटूथ मोड में इसमें लाटेंसी मिलता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑक्स लगाने के बाद इसमें लाटेंसी 0 है, यानी इस हेडफोन को अपने गेमिंग के लिए भी ले सकते हैं। बट हाँ, आपको गेमिंग ब्लूटूथ मोड में करना नहीं है, ऑक्स लगा के कीजिए। और इसका मैनुअल पे मेंशन है कि अगर आपने इसको ब्लूटूथ मोड पे यूज करते हैं तो इसका बैटरी बैकअप है 10 आवर, और इसका स्टैंड बाई टाइम है अप टू 120 आवर। और मुझे इसी हेडफोन 494 पे कैसे मिला, देखिए जब इसका डील्स आया था तब इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था, और तब इसका प्राइस था 1098 रुपीज़, और तब एक कूपन था और वो कूपन को अप्लाई करके मैंने इसको ओनली 494 पे लिया था। बट अब कूपन को अप्लाई करने के बाद इसका प्राइस है 988 रुपीज़। और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे इसी हेडफोन का बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, आप इसका प्राइस को चेक कीजिए। जब इस हेडफोन आपको 700 के अंदर में मिलता है तब ये सुपर वैल्यू फॉर मनी है, और तब आप इसको आँख बंद करके ले सकते हैं। और हाँ, अब इसका तो प्राइस है 1000 रुपीज़। अगर आपको अभी के अभी एक हेडफोन का ज़रूरत है तो आप अब इसको ले सकते हैं। और इसी हेडफोन को लेने के लिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी हेडफोन का बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम होने के साथ साथ इसका साउंड क्वालिटी एंड बेस क्वालिटी अच्छा है, और इसका बैटरी बैकअप ठीक है, और इसमें ऑक्स केबल भी मिल जाता है, और इसमें ब्लूटूथ और ऑक्स मोड के साथ साथ माइक्रो SD कार्ड का भी एक मोड है। और इसको कैरी करना भी बहुत ही इजी है, क्योंकि इसका बॉक्स में एक बैग मिलता है और ये जिंक ब्रांड का है, और इसमें 1 ईयर का वारंटी मिल जाता है। और हाँ, आपको फिर से भी रिमाइंड दे देता हूँ कि अगर आपको डील्स देखना अच्छा लगता है, डिस्क्रिप्शन पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी हेडफोन आपको कैसा लगा, या अगर आपका इसी हेडफोन को लेकर कुछ डाउट्स रह गया
ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ हमारा चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए, क्योंकि यूट्यूब में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। और इस वीडियो में तो इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।